हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जुबैर हयात साहब ने एक सेमिनार में खिताब करते हुए पॉइंट्स रेज किए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो जो पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। जुबैर हयात साहब ने कहा जनाब कि जो छोटी जंग है जो इंडिया ने पाकिस्तान पर मुसल्लत की हुई है, वो छोटी जंग जो है वो बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और मेरे ख्याल में इंडिया को समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट जब आई है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल तंग आ चुका है, जो इंटरफेरेंस है, जो इंडियन इंटेलिजेंस आउटफिट्स की इंटरफेरेंस है उससे तंग आ चुका है, और जो जिस तरीके से यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर उससे तंग आ चुका है, नंबर वन। नंबर टू, कश्मीर की बात होती है, कश्मीर पर बार बार जिक्र किया जाता है कि कश्मीर का मसला जो है वो हल होना चाहिए, लेकिन अभी तक हल नहीं हो सका और इस पर कई सेशंस हो चुके हैं मुज़ाकरात के, लेकिन आज तक ये मसला हल नहीं हो पाया। इंडिया ने अगर पाकिस्तान के साथ अमन करना है, जुबैर रियाज साहब कहते हैं, तो फिर उसका रास्ता जो है अमन का रास्ता इंडिया के साथ जो है वो कश्मीर से होकर जाता है। सो दैट मीन्स कि कश्मीर का मसला आप सॉर्ट आउट करें, फिर अमन के ख्वाहां जो लोग हैं यहाँ पे उनकी बात सुनी जा सकती है और उनको अहमियत दी जा सकती है, लेकिन जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता और ये कोर इशू का कोर इशू ही रहेगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तीसरा पॉइंट जो है उनके जो दोज पीपल हु आर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर इन इंडिया, उसको वो बिल्कुल आवाज़ बुलंद और मीडिया के सामने कह चुके हैं और ललकारते हुए कह रहे हैं कि इंडिया ने रॉ के अंदर एक विंग बनाया है जिसका मकसद ये है कि वो जनाब सेबोटाज करे सी पैक को, और उसके लिए $500 मिलियन भी मुख्तस किया गया है। सो ये चीज़ें अगर ओपनली इंडिया कह रहा है तो फिर अमन कैसे मुमकिन है। मैं चाहता ही हूँ कि मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब है, साबिक सेक्रेटरी दिफा रह चुके हैं, और मैं चाहूँगा ये कि वो अपनी इनपुट दे दें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जी। थैंक यू। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जुबैर हयात साहब ने आज बड़े क्लियरली बात कर दी, उन्होंने कहा जनाब कि एक छोटी जंग जो है जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है, छोटी जंग उसको का इंटेलिजेंस आउटफिट जो उनके एक्टिव है इंडिया के यहाँ पे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान हो या किसी और जगह पर हो, वो एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकते हैं, इससे क्या मुराद है? हाँ जी, पहले तो वो जो छोटी जंग है वो इतनी छोटी नहीं है, बिकॉज स्मॉल लॉन्ग वॉर असल में इसका पूरा नाम है, जिसका मतलब बेशक ये देखने में छोटी है लेकिन लंबी, जिसको हम हाइब्रिड वॉर नहीं कहते जी जी, कि जिसमें मीडिया भी है, जिसमें इकॉनमी भी है, जिसमें पॉलिटिक्स भी है और असल जंग भी है और इंटेलिजेंस ऑपरेटेड चीज़ें हैं। तो बुनियादी तौर पर एक तो उन्होंने इस चीज़ का जिक्र करके ये वाजे कर दिया कि हम पहले ही हालत जंग में हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये अमन जंग है और ये जंग हमारे पर मुसल्लत की हुई है, हिंदुस्तान ने ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया, जंग की नौयत का उन्होंने इजहार कर दिया, इसको छोटी जंग कह के, जबकि मेरे ख्याल में ये इतनी छोटी नहीं है, ये भी जिस तरीके से हमारी जड़ें काट रही है ये भी बहुत बड़ी जंग है। इसमें जो उन्होंने बात की है कि बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है, इसमें जो इशारा है वो मेरे ख्याल में ये है कि अगर हमने रिस्पॉन्ड किया इसी तरीके से, तो दो छोटी जंगें ऐसा ना हो कि बड़ी जंग में तब्दील हो जाए, कि उनसे बर्दाश्त ना हो और बर्दाश्त ना हो और हम किसी ऐसे काम पे वो चल पड़े या हम चल पड़े जो कि जंग फैल जाए, और फिर जब बड़ी जंग का मतलब फिर न्यूक्लियर वॉर तक जा सकता है, क्योंकि जो कि क्या हम न्यूक्लियर वॉर तक जा सकते हैं? नौबत आनी नहीं चाहिए, नौबत आनी नहीं चाहिए, लेकिन जिसको कहते हैं ना तंग आमद बजंग आमद, तो इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि जब हम दोनों मुल्कों में से किसी का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए जो कि हो सकता है, तो फिर क्या होगा। तो ये जब दो एटमी ममालिक और वो नेबर्स भी हों तो इस किस्म की छेड़खानी से ज़्यादा, बल्कि जिस किस्म की हाइब्रिड वॉर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है जो हिंदुस्तान ने शुरू की हुई है, और उनका इशारा मेरा ख्याल यही है कि हम अब जवाबी कार्रवाई करेंगे। अच्छा। और इसी किस्म की जंग करेंगे जो हमारे पर मुसल्लत की गई है, और फिर जब ये दो छोटी जंगें हो जाएंगी तो फिर ऐसा ना हो कि बात बढ़ जाए, मैं ट्रिगर ना हो जाए। हाँ जी। अच्छा। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने ये इंडिया दे दिया है कि अब शायद हम ज्यादा देर तक इसको
برداشت نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ بالکل کلیئر ہے کہ کلبھوشن پکڑا ہوا ہے, اس نے جو کہا وہ بالکل پتہ ہے, جو دھماکے ہو رہے ہیں وہ پتہ ہے, جو سی پیک کے بارے میں باتیں ہوئی وہ ہمیں پتہ ہیں. تو کوئی یہ کوئی ڈکچ بھی بات نہیں ہے کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار ود انڈیا. جی اچھا چلیں, وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار دس از ون سائیڈڈ سو فار اینڈ ہی از انڈیکیٹنگ, وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹو سائیڈڈ ہو سکتی ہے. اوکے سو وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار ون سائیڈڈ وار ہے جو انڈیا نے ہمارے پہ امپوز کی ہوئی ہے, اور یہ چھوٹی وار کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہے انڈین وہ ہمارے ملک کے اندر آپریٹو ہیں اور دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, اور یہ بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر ہم, اور یہی نہیں ہے وہ ہائبرڈ وار کو یاد رکھیں, اس کے اندر پولیٹیکل ٹنکرنگ, اس کے اندر ڈپلومیٹک آئسولیشن, اس کے اندر اکنامک انڈر مائننگ, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اچھا تھوڑا سا ریپیٹ کریے بیکاز دیز آر تھری سٹیپس. جب ہم ہائبرڈ وار کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں دیکھیے اوور آل تین چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک ہوتا ہے ملٹری, ایک ہوتا ہے اکنامک, ہوتا ہے پالیٹکس, یہ تین چیزیں مل کر کوئی بیلنس یا ان بیلنس کریٹ کرتی ہیں. تو ان تینوں چیزوں میں کے میں یہ بڑھایا جاتا ہے, پالیٹکس میں بھی پولیٹیکل انتشار پیدا کر کے کسی بھی ملک کے اندر, اکنامیکلی انڈرمائن کر کے کسی طریقے سے آپ کی اکانومی کو خطرہ پہنچا کر, اور تیسرا ملٹری انٹیلیجنس اسمال آپریشنس, یہ سارا کچھ مل کر ہوتا ہے یہ ہائبرڈ وار. اوکے سو ہائبرڈ وار جو ہے وہ ہم پہ امپوز ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے, اس کی تمام نشانیاں موجود ہیں اور کھلے عام ہیں. اور کھلے عام, ہاں جی. اچھا تو واٹ از اسٹاپنگ اس, ہم کیوں نہیں ری ایکٹ کر سکتے؟ ہاں اب یہ ایک تو اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو تمام لیڈرشپ کا یہ ماننا ضروری ہے کہ ہم حالت جنگ میں, ابھی میں تو بات کر رہا ہوں, اب مجھے نہیں معلوم کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے, ان کو تو امید ہے کیونکہ انہی کی ٹریننگ مجھے ملی ہوئی ہے, ان کو کچھ نہ کچھ ادراک ہوگا, لیکن کیا وہ یہ بتا پائے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہ ہم حالت جنگ میں ہیں؟ لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں, جو اندر کے معاملات میں دیکھتا ہوں, یہ جس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے بھی بیہیو کر رہے ہیں اور باہر کے ملکوں سے بھی کر رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ ادراک ابھی تک نہیں ہے کہ یہ جنگ کس نوعیت کی ہے, یہ جنگ کتنی ہم آگیر ہے, اور یہ جنگ واقعی ہم پر مسلط کی ہوئی ہے. جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ اور پیپل آف پاکستان یہ تینوں اینٹیز اس بات کو مان نہیں لیتے, شاید ہم جواب نہیں دے پائیں گے. فیلئر کس اینڈ پہ جنرل صاحب, کون ایکسپلین نہیں کر پایا؟ ملٹری ایکسپلین نہیں کر پائی, پولیٹیشنز ایکسپلین نہیں کر پائے؟ چونکہ یہ میں نے دیکھا نہیں ہے کہ ایکسپلین کرنے کی کوشش جب کی گئی تو کی گئی یا نہیں کی گئی, پہلی بات یہ, جو کہ میرا اندازہ ہے کہ کی جانی چاہیے تھی اور کی گئی ہوگی. اچھا اگلے سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے, یا وہ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, دوسری بات ہے. اور تیسرا ایک فیلئر میں سمجھتا ہوں کہ پارشلی میڈیا کا بھی ہے, کہ میڈیا کو خود ادراک ہونا چاہیے اور پھر وہ لوگوں کو بھی بتائے کہ بھئی آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ نارمل حالات چل رہے ہیں, ہم تو بھئی حالت جنگ میں ہیں, اور پھر ان کو بتائیں کہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. تو جب کوئی بھی ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے تو اس کو نئی تدابیر کرنی پڑتی ہیں, اسپیشل میجرز لینے پڑتے ہیں, انٹرنل سچویشن کے لیے بھی, ایکسٹرنل کے لیے بھی. تو ہم نے تو انٹرنل کے لیے لیا ہوا, بند کیا ہوا انہوں نے آپ کی مین اسلام آباد ہائی وے پچھلے ایک ہفتے سے, یہ تو آپ کا حال ہے. اگر آپ کو ادراک ہو کہ آپ انٹرنل جنگ میں ہیں تو آپ ایسا ہونے دیتے کبھی اپنے ملک میں؟ تو میرا خیال ادراک نہیں ہے. کیا اسٹیپس لیے جانے چاہیے کہ ریئلائزیشن ہو پولیٹیکل اینڈ پہ بھی اور ماسز کو بھی کنوے ہو, ماسز کے اندر بھی ایکسیپٹیبلٹی ہو کہ ہم میں ہیں؟ اس کیس میں تو میں تھوڑا سا اگر مجھے بلیم بھی کرنا پڑے تو میں اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کروں گا کہ وہ کیوں اس بات میں ناکام ہوئے ہیں یہ بتانے میں کہ جی یہ ہم حالت جنگ میں, یا تو وہ میرے ساتھ اگری نہ کریں, الگ بات ہے, یہ بھی ممکن ہے, میں تو اپنی رائے پیش کر رہا ہوں. نہیں نہیں آپ جنرل ہیں, سیکرٹری ڈیفنس ہیں, لیکن اپنی رائے پیش کر رہا ہوں نا فی الحال پرائیویٹ. تو میرا خیال ہے کہ اس میں بلیم ان پر بھی جاتا ہے جن کو بتانا چاہیے کہ ہم جنگ حالت جنگ میں ہیں, اور بلیم ان پر بھی جاتا ہے جو کہ زیادہ ٹاپ پر ہیں, کیونکہ پالیٹکس تو از مدر آف ایوری تھنگ نا. تو اگر پالیٹیشنز کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جی ہم حالت جنگ میں ہیں تو میں پھر کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا خیال ہے کہ ایک ایک انڈیکیٹر موجود ہے, اور وہ انڈیکیٹر ہی نہیں, کچھ تو باقاعدہ ثبوت موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. اوکے
थोड़ा सा आगे चलते हैं दूसरे स्टेप पे, क्योंकि मैं तीन पॉइंट्स लेके चलना चाहता हूं कि जनरल ज़ुबैर हयात साहब के। और दूसरा पॉइंट उन्होंने जो रेज़ किया, उन्होंने कहा जी कि कश्मीर का अमन का रास्ता, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर अमन होता है तो उसका रास्ता जो है कश्मीर से गुजरता है। अब कश्मीर के अंदर तो आपने इतने मुज़ाकरात कर लिए, सेक्ट्री लेवल पर कर लिए, इधर कर लिए, उधर कर लिए, मेरे कई सालों से ये एक्सरसाइज हो रही है, और लेकिन उसका आउटकम एज सच कभी निकला नहीं, क्योंकि उसमें कभी ये लिस्ट बना लें जी कोर इश्यूज़ क्या हैं जी और कौन से इश्यूज़ पहले एड्रेस करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, वो इसी तरह के चक्कर चलता रहता है, लेकिन आउटकम एज सच कुछ नहीं है। सो अगर आउटकम कुछ नहीं निकला आज तक मुज़ाकरात से, और या तो मुज़ाकरात का मॉडस अप्रेंडी चेंज होना चाहिए, वो अगर होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, और अगर अभी तक जितने मुज़ाकरात हुए उसमें से कोई आउटकम नहीं निकला तो आगे क्या निकलेगा? हाँ, पहले तो ये जो आपने बात कही है इसी पर गौर करने की ज़रूरत है कि 70 साल में आउटकम क्यों नहीं निकला। इसका ये मतलब है कि कोई ऐसा काम रह गया है जो हम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कि ये स्टेलमेट की सूरत हाल जी, उसी पर बात करते हैं। लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम में से कुछ लोग ये समझते हैं और अपने दानिश में सही कहते होंगे कि हमने पाकिस्तान को दांव पे लगा दिया है कश्मीर के मसले पर, हमें थोड़ा तौकफ़ करना चाहिए, इसको बैक बर्नर पर डाल देना चाहिए। देखें भाई, अगर तो ये मसला होता ना थोड़ी सी ज़मीन का या सरहद के रद्दोबदल का, तो ये इस बात का इम्कान था, क्योंकि अभी मसला हमारे काफ़ी अरसे से ड्यूरन लाइन का भी तो है ना, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ा है। लेकिन ये मसला कोई 1.5 करोड़ लोगों का भी है, जिनके ऊपर, जिसमें से आधे लोग ऐसे जिन पर सुबह शाम सितम ढाए जा रहे हैं, तो इस केस को हम कोई एक लैंड का मसला नहीं ले सकते, ये लोगों का मसला है। और फिर ये है कि ये कश्मीरियों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, क्योंकि पाकिस्तान इसकी पार्टी है, तो इससे अलग करना तो मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है। अच्छा, अगर हम ये देखें कैसे हल होगा, जैसे आपने बात की है, तो उसमें एक बात तो हमें ये देखनी चाहिए कि जब भी ये मसला हल के करीब था, पिछले आपने देखा होगा कि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि पहले, सबसे पहली बात लें कि जब नेहरू खुद गए UNO में, उस वक्त हालात क्या थे? हालात ये थे कि आपके जो मुजाहिदीन हैं और आपकी जो फौजें हैं, ट्राइबल फौजें, वो श्रीनगर को टच कर रही थी, वो भागकर मुज़ाकरात के लिए गए। उसके बाद दोबारा एक दफ़ा तहरीक उठी जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा हिंदुस्तानी फौजों का, और हिंदुस्तान के अवाम को भी महसूस हुआ कि भी यहाँ से निकला जा रहा है, तब इन्होंने दोबारा बातचीत शुरू की, और ये मैं 2001-2000 उससे ज़रा पहले की बात कर रहा हूँ। अब दोबारा तहरीक उठी है, अब हमारे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी तहरीक, चूंकि ये अभी सियासी तहरीक है, इसको सियासी रहने दें, भाई मेरे छोटी सी जगह है, थोड़े से लोग हैं, उन्होंने एक सियासी तहरीक उठाई हुई है, अगर आप उनकी, आप ज़ुबानी तो कह रहे हैं कि हम उनकी इखलाकी मदद करेंगे, हम उनकी सफारती मदद करेंगे, कौन सी मदद की आपने इखलाकी? अब जाके तकरीर की है 4-7 साल के बाद, अब जाके पहली तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर ने की है, इसमें पता लगता है कि किसी तरीके से बात हुई है, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने भी कोई थोड़ी सी बात की है। बात यह है कि एक तो हम अपना बयानिया पहुंचा ही नहीं सके दुनिया तक, वो लोग कहते हैं ना जी दुनिया हमारी बात क्यों नहीं सुनती, तो मैं इसका जवाब ये दिया करता हूँ कि दुनिया गूंगों की बात तो नहीं सुनती, आप कुछ बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। कतर कैसे बचा है? कतर अपने मीडिया की वजह से बचा है, उनका इंटरनेशनल चैनल है अल जजीरा जो है, पूरी दुनिया सुनती है, अंग्रेजी में चैनल है। आप मुझे बताएं कि हमारा कौन सा चैनल है जिसको पूरी दुनिया सुनती होगी? आप पूरी दुनिया की जुबान ही नहीं बोल रहे, दुनिया बोलती है, अंग्रेजी बोलती है, फ्रेंच बोलती है और जुबानें हैं, आपके कौन से चैनल हैं जो दुनिया को बता रहे हैं कि इधर क्या हो रहा है? फिर आप कहते हैं दुनिया हमारी बात नहीं सुनती, भी उनकी बोली बोलो। आप एक अल जजीरा जैसा चैनल पैदा करें जिसकी कोई तौकीर हो पूरे दुनिया में और वो आपकी बात सुने, तो आपका बयानिया दुनिया तक नहीं पहुंचा है। वरना दुनिया में ऐसे पॉपुलेशन मौजूद हैं जो हमायत करेंगे जब उनको पता चलता है कि भी ऐसे लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, आप ये उन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ है और आप बात पहुंचा नहीं सके हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि मेन चीज है। व्हाट एल्स डू यू थिंक कैन बी डन टू फिक्स दिस थिंग, कश्मीर का इश्यूज फिक्स? मेरे ख्याल में लोग मुझसे हमेशा इस बात पे इख्तलाफ करते हैं, मेरा अपना ये ख्याल ये है कि हिंदुस्तान जो कुछ हमारे साथ कर रहा है और जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, वो सब कुछ आपको हिंदुस्तान के साथ करना पड़ेगा, तब वो आपसे बात करेंगे, वरना किसी सूरत में बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर तो 21 प्रोबेबली 21 प्लस माइनस वो तो स्टेट्स के अंदर वो तो आप छोड़ देना, चल रही है इस वक्त जो वो कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, इस वक्त जो कर रहे हैं दलित्स के साथ, इस वक्त जो कर रहे हैं सिखों के साथ, ये तो बिल्कुल नए बाब खुल सकते हैं।
लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आप घबराहट का शिकार हैं, अभी भी परेशान है कि करें कि ना करें। भाई वो तो आपके साथ हर वो काम कर रहा है और खुलेआम कर रहा है और कहकर कर रहा है, और आप सोचो बेचार में पड़े हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। जब ये नहीं मैं कह रहा कि आप जंग से कश्मीर ले लेंगे या ओपन वॉर से कर लेंगे, लेकिन जब उनको तकलीफ पहुंचेगी, आप देखिए आप मिसाल के तौर पर जो कश्मीरी वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियों को ये हक नहीं है कि उनकी हेल्प करें? फिजिकल हेल्प की मैं बात करूँ, चले पाकिस्तानी तो ना करें, तो उसमें वो ठीक है बावेला ज़रूर मचाएंगे। पूरी दुनिया क्या कर रही है यार, मतलब ये कि क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या हो रहा है इराक में, क्या हो रहा है सीरिया में, कहाँ से फौजें आके वहाँ पर लड़ रही हैं? और आपके पड़ोस में एक मसला है जो कि आपका अपना मसला है, और आप उस पर जो ना ऐसे करके बैठे हुए हैं कि जी पता नहीं क्या होगा। ये ऐसे नहीं, ऐसे अगर ये अगर ये काम करना है तो दे दीजिए कश्मीर, फिर आप कभी भी कश्मीर को हासिल नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा मुल्क है, इकोनॉमिकली बहुत बड़ा है, उनका क्लाउड बहुत बड़ा है, उनका मीडिया बहुत बड़ा है, तो अगर आप ये इन 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 शोबों में उसके साथ लड़ना चाहते हैं तो कभी भी नहीं लड़ सकते। आपके कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस है इंटेलिजेंस आउटफिट्स की, कराची के अंदर है, दूसरे एरियाज़ में है पाकिस्तान के, इंडिया की इंटेलिजेंस आउटफिट्स ऑपरेटिव है वहाँ पे, इसी तरह आपको भी ऑपरेशंस करने चाहिए, पाकिस्तान को भी करने चाहिए इंडिया के अंदर, दिस इज़ व्हाट यू आर रेफरिंग टू? एग्जैक्टली, इसमें कोई मैं अपने अल्फाज जो है ना उनको चबाऊँगा नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, एक तीसरा पॉइंट रेज किया गया और उन्होंने कहा गया है कि जनाब ज़ुबैर रियाद साहब कह रहे हैं जनाब कि इंडिया ने एक विंग बनाया है और वो विंग है सीपैक को सैबोटाज करने के लिए, और $500 मिलियन प्लस माइनस उसके लिए मुख्तस किए गए हैं कि जनाब यहाँ पे आप इसको सैबोटाज करें। सो ये एक और चीज़ है जो लिंक हो गई है जो आपके साथ सैबोटाज किया जा रही है, टेररिज्म इन वन वे और दी अदर फैलाया जा रहा है, तो उसको मतलब एक पूरा एक विंग ही बना दिया गया है कि जनाब सीपैक को रॉ के अंदर ये, और ये बात ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई ढकी छुपी बात है या बड़े कोई इंटेलिजेंस लेकर किसी ने बड़ी खबर निकाली है, ये उन्होंने सरेआम मीडिया के ऊपर कहा है। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा जी हमने इतने पैसे रखे हैं, हम इसको सैबोटाज करेंगे, हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। तो उधर से तो इस किस्म की बात हो रही है कि ये खुली धमकी नहीं बल्कि उस धमकी को अभी अमली जमा पहना दिया गया है, पहना और आप देख रहे हैं कि अभी दोबारा कैसे काम शुरू हो गया। तो ये तो उन्होंने बात खुलकर कही, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि या तो हो ना कोई ढकी छुपी जंग हो जिसमें अंदर ही अंदर कुछ हो रहा हो, आप कहें जी वो ये कर रहे हैं तो हमें पूरा हक है ये करने का, आप पहले मौका दे दें, आप कहें जी कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हमें पूरा हक है उसका जवाब देने का, और मेरे ख्याल यही इंडिकेट चेयरमैन ने किया है और इसी को मैं प्रोफेस करता हूँ कि इसके बगैर काम आगे नहीं चल सकता, क्योंकि बातचीत तो कभी आपसे वो करने पर तैयार नहीं होंगे। जब पहले भी मैंने कहा कि जब भी बातचीत हुई है उसी वक्त हुई है जब उनको तकलीफ़ पहुंची है, तकलीफ़ पहुंचाएं उनको ज़रूर बात करेंगे वो आपके साथ, और इसके इम्कानात मौजूद हैं। ऐसे कहा जाए जो आप बात कर रहे हैं उसको मैं अगर ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँ व्यूअर्स को, वो ये है कि इंडिया यहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहा है और यहाँ पे टेररिज्म फैला रहा है पाकिस्तान के अंदर और यहाँ पे इश्यूज क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर इन वन वे और दी अदर, डायरेक्टली भी, इनडायरेक्टली भी, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरली कोवर्ट ऑपरेशन जिसको कोवर्ट ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज कि उनको तकलीफ पहुँचाने के लिए, इंडिया को तकलीफ पहुँचाने के लिए आप भी कोवर्ट ऑपरेशन करें वहाँ पे ताकि उनको तकलीफ पहुँचे, तब वो आपके साथ बात करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसमें बाकी मतलब अमरीका में भी इस बात का तज़किरा हुआ है कि हिंदुस्तान अपने आउटफिट्स इस्तेमाल कर रहा है, उन्होंने बर्मला कहा है। तो देखें बात ये होती है कि अमन की ख्वाहिश तब होती है जब दोनों तरफ वो ख्वाहिश हो, और जब आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर आपके पास अमन के रास्ता ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर आप मुझे मारें और आप मेरे ऊपर कोई जंग मुसल्लत करें तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं आप जवाब दूं या ना दूं। वो तो ऑप्शन तब है ना जब आप भी पुरमनों में, जब हमारे ऊपर जंग मुसल्लत है तो फिर अगर कोई ये कहे कि जी हमारे पास पीस की ऑप्शन भी है हमारे पास जंग की ऑप्शन भी है, तो वो ऑप्शन तो है ही नहीं, हमने तो जवाब देना ही देना है। हाँ ये है कि जवाब देना या नहीं देने में कितनी देर लगानी है, या किस किस्म का जवाब देना है, वीक जवाब देना है, मिन मिन करके बात करनी है या खुल के जवाब देना है, ये सारे पॉलिटिक्स की बातें हैं, ये डिप्लोमेसी की बातें हैं, वो जाने उनका काम जाने, करना यही पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी जनरल साहब। थैंक यू जनरल खालिद लोधी साहब मेरे साथ मौजूद थे जी, और बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया कि
तीन पॉइंट्स जो रेज किए गए हैं उनमें बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है उनका, बड़ा क्लियर हेडेडली उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा जनाब के जो इंडिया ने $500 मिलियन यहाँ पे मुख्तस किए हैं, रॉ का एक अलग विंग बनाया है उन्होंने इंडिया वालों ने, और सी पैक को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अलावा ये छोटी जंग से मुराद जो ज़ुबैर हयात साहब ने रेफ़र किया है, छोटी जंग से मुराद ये है कि जो इंटेलिजेंस आउटफिट्स है पाकिस्तान में किस तरीके से ऑपरेटिव है, और हम लोग वहाँ पर किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। हालाँकि इंडिया के अंदर 21+ माइनस ऐसे सूबे मौजूद हैं जो आज़ादी की तहरीक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उसको मीडिया वहाँ पर उजागर नहीं करता उसको। और उसके अलावा कश्मीर अमन का रास्ता जो है वो कश्मीर से गुजर के जाता है, ज़ुबैर हयात साहब कह रहे हैं, और लोधी साहब कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, आपको इसी तरह का जवाब देना पड़ेगा इंडिया को, अगर वो इंटरफेयर करें तो आपको भी इंटरफेयर करनी पड़ेगी, आपको भी छोटी जंग उन पर मुसलत करनी पड़ेगी, तो फिर जाके कि इंडिया आपके साथ बैठेगा, अदरवाइज़ वो आपके साथ नहीं बैठेगा। एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद हाजिर होते हैं। और अब मैं बात करना चाहूँगा इमरान खान के केस और उसके बाद जनाब उसके साथ साथ जो जहांगीर तरीन के केस है उसमें फैसले जो महफूज हो गए उन पर मैं बात करना चाहूँगा। मैंने बुलाया है जनाब अपने साथ शो में फवाद चौधरी साहब को और सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब को, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। फवाद चौधरी साहब, फैसले महफूज हो गए, मनी ट्रेल मुकम्मल है या नहीं इमरान खान साहब का? ये मनी ट्रेल मियां साहब से भी आप पूछते रहे, लेकिन इमरान खान साहब का मनी ट्रेल मुकम्मल है या नहीं है? नियाजी सर्विसेज लिमिटेड डिक्लेयर क्यों नहीं की गई थी? और उसके अलावा जहांगीर तरीन साहब ने लंदन में 12 एकड़ ज़मीन वो भी नहीं बताई थी, तो अब क्या होने जा रहा है? आपके साथ भी वही होगा जो मियाँ साहब के साथ हुआ है या कुछ और देख रहे हैं? एक एक करके मैं आपके जो सवालात आपने उठाए हैं उनका जवाब दे देता हूं। सबसे पहली बात ये थी कि पीएमएलएन का जो मुकदमा था वो इस बात से शुरू हुआ कि बनी गाला की जो जमीन खरीदी गई इमरान खान ने, उनके पास पैसे नहीं थे उस जमीन को खरीदने के लिए। अच्छा, उसके बाद जमायमा खान का आपको याद होगा कि उन्होंने नॉन ट्रांजेक्शन अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो है वो पेश की और पीएमएलएन का केस वहां पर खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, मामला ये था कि इमरान खान ने कहा कि जी ये प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी का बयाना मैंने दिया था, बाकी पैसे जमायमा खान ने दिए थे और ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जो उनके पैसे आए थे ये हमने इनको दिए। उसके बाद मेरा अपार्टमेंट था लंदन में, मेरा अपार्टमेंट लंदन में बिका, वो पैसे मैंने जमायमा खान को दे दिए और प्रॉपर्टी सारी जो है वो मेरे नाम आ गई। ये इमरान खान का बयान था। इमरान खान को लंदन की जो अपना अपार्टमेंट खरीदने की रियल्टी को देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने एक एक रुपए का अपना हिसाब दिया। 41 साल की जो उनकी इनकम थी जिसमें कैरी पेकर सीरीज थी, जिसमें काउंटीज शामिल थी, वो सारे की सारी इमरान खान ने वहां पर जो है वो पेश की और पूरे की पूरी एक एक रुपए की जो मनी ट्रेल है वो वहां पर जो है वो दी गई। अब अगला सवाल ये हुआ कि इमरान खान ने ये प्रॉपर्टी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के नाम के ऊपर होल्ड की थी, तो नियाजी सर्विसेज लिमिटेड को यहाँ पे उसका डिक्लेयर किया जाना जरूरी था। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं, नियाजी सर्विसेज लिमिटेड का एक भी शेयर इमरान खान के नाम नहीं है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी थी जो नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के ऊपर पास की गई थी, जो यहाँ पर पाकिस्तान में भी डिक्लेयर है, 2002 के पेपर्स में भी डिक्लेयर है और इमरान खान के सारे नॉमिनेशन पेपर्स में वो प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेयर की गई थी। ये और इमरान खान का केस यहाँ पर मुकम्मल हो गया और उनकी जो पूरी मनी ट्रेल है वो हमने दे दी। तो लाख पाउंड का क्या बना फवाद चौधरी साहब? जी दोबारा बोलिए ना। मैंने कहा 1 लाख पाउंड का जो जिक्र होता है वो कहाँ गया? 1 लाख पाउंड का जिक्र ये था कि 1 लाख पाउंड में जो लिटिगेशन के जो अपार्टमेंट है इसमें एक रेंट वाला आके रह गया, उस रेंट की जो इनकम थी वो अकाउंट में जा रही थी, वो अकाउंट में जो जब लिटिगेशन हो रही थी तो कोर्ट ने वो जो अकाउंट था उसको फ्रीज कर दिया। उसमें जो 40,000 पाउंड बाद में इमरान खान को यहाँ पे आए वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए थे, जो बाकी $60,000 थे वो पाउंड थे वो वहां पर ही कोर्ट के हुक्म के ऊपर वहां पर ही रखे गए और वो वहां पर जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस थे उनमें जो है वो दे दिए गए, वो इमरान खान को नहीं आया, लिहाजा वो इमरान खान को कभी ऐसे भी नहीं था। जो 40,000 पाउंड इमरान खान को यहाँ पे आया था वो डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, तो इसका मतलब है आप तो बड़ी विन विन सिचुएशन बता रहे हैं मुर्तजा साहब, कामरान मुर्तजा साहब, ये तो बड़ी विन विन सिचुएशन बता रहे हैं फवाद चौधरी साहब।
फवाद चौधरी साहब जाहिर है वो अपना जो पीटीआई से मुतल्लिक है तो विन विन सिचुएशन बताएंगे। मेन असल बात यह है कि अब दोनों तरफ से आर्ग्यू हो गया है केस और रिजर्व है, तो इसलिए जो है अब उसमें ज्यादा खुल के आदमी कब्जा नहीं कर सकता। सिर्फ एक असूल की बात सिर्फ ये देख लीजिए कि असूल जो तय हुआ है उसमें पनामा केस में अगर कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और वो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई जब फॉर्म उन्होंने फिल किया था, नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया था, उसको कंसील किया है, इवन ओमिशन है या इंटेंशन है, दोनों सूरतों में वो यहाँ पे जो है ना ये तय हो गया कि उसके नतीजे में डिस्क्वालिफिकेशन होगी। अब इन्होंने कोर्ट ने भी ये टेस्ट उनके पास यही होगा कि वो क्योंकि 5 मेंबर बेंच का फैसला है तो टेस्ट यही होगा कि अगर कोई चीज कंसील हुई है या डिस्क्लोज नहीं हुई है तो देन तो वो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ मामला जाएगा, और अगर नहीं तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ मामला नहीं जाएगा, फिर डिसमिसल की तरफ जाएगा। और दूसरा असूल उसमें ये तय हो गया कि फर्ज कर लीजिए कि कहीं पे कोई अपना मनी लॉन्ड्रिंग की बात है या कोई इस तरह से मामला आ जाएगा तो वो उन्होंने नैब को भिजवाया और उनको कहा है कि रेफरेंस फाइल की नहीं, लेकिन इसके इस मसले में, इमरान खान के मसले में डिस्क्वालिफिकेशन बनती है आपके ख्याल में मुर्तजा साहब? देखिए डिस्क्वालिफिकेशन उस सूरत में बनेगी कि अगर कंसीलमेंट है इनके पार्ट पे। अब आपकी नजर में कंसीलमेंट है मुर्तजा साहब? देखिए इसमें थोड़ा सा मोहतात इसलिए होना पड़ेगा कि जजमेंट रिजर्व है। मैं बतौर वकील जो है मैं जजमेंट पे मैं बात नहीं कर रहा, मैं जजमेंट पे इंटरफेयर ही नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपकी नजर में कंसीलमेंट हुई है या नहीं हुई, बस ये पूछ रहा हूँ। बात तो आप वही पूछ रहे हैं। देखिए मेरा ओपिनियन तो जाहिर है, मेरा ओपिनियन भी कुछ थोड़ा सा आप उसको समझ लीजिए कि बायस हो सकता है क्योंकि मेरा ताल्लुक भी JUI के साथ है। ठीक है, आपका बायस है या नहीं है, मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ कि आपकी नजर में इमरान खान ने जो तफसील बताई अभी फवाद चौधरी ने, आपकी नजर में कोई कंसीलमेंट हुई? मेरे ख्याल के मुताबिक अगर मेरा ख्याल मेरी अपनी जाती राय के बारे में, मैं किसी कोर्ट के उसके ओपिनियन को प्रेजुडिस नहीं करना चाह रहा, मगर जो मेरा अपना ओपिनियन है वो यही है कि यहाँ पे भी वो कंसीलमेंट की बात है। आपके ख्याल में है फवाद चौधरी साहब? फवाद चौधरी साहब को कंसीलमेंट है आपकी नजर में? मैं तो ये समझना चाहूंगा ना, इस वक्त मैं ये समझना चाहूंगा कि अगर कोई कंसीलमेंट है तो हम मुझे बता दे ताकि मैं उसको जो है वो क्लरिफाई कर दूं, क्योंकि मैंने तो आपके सामने जो तमाम इश्यूज हैं वो खोल के रखे हैं और जो 1 लाख पाउंड की बात थी, NSL की बात थी, मैंने आपको पूरी तफसील से मुर्तजा साहब बताइए ना जी, आप JUI से हैं, आप बताएं, आप क्रिटिसाइज भी करते हैं इमरान खान को, इमरान खान की पॉलिसीज को भी, और इमरान खान का भी जो केस है उसको भी आप बड़ा चढ़ा के सामने लाते हैं, तो आपको पता होगा ना कि ये इसने कंसीलमेंट की है कि नहीं। इसको बड़ा चढ़ा के नहीं लाता मैं अपना इंडिपेंडेंट जो है वो वकील के तौर पे देता हूँ। जी मैं पूछ रहा हूँ ना, एज ए वकील, एज ए लॉयर बता दें आप कि आपके ख्याल में। मैं बता रहा हूँ ये, लेकिन उन्होंने किया होगा क्या नहीं किया होगा फवाद साहब? इतने करीब से तो कामरान भाई ने फॉलो नहीं ना किया कि वो वहां में बता सके, लेकिन ओवरऑल अगर आप इस केस को ओवरऑल जायजा भी लेंगे तो PMLN ने खुद भी आखिर में उसको फॉलो करना छोड़ दिया था, क्योंकि इसको उनको पता चल गया था कि कुछ है नहीं। और अब भी मुझे यकीन है कि आपने अपने प्रोग्राम के लिए भी कोशिश की होगी कि PMLN से रब्ता हो जाए, वो लोग नहीं आते क्योंकि उनको पता है कि उसमें है कुछ नहीं है, सिर्फ एक ट्वीट एक मरियम नवाज शरीफ कर देती हैं, इसके अलावा उनको भी पता है कि इसमें कुछ है नहीं। अच्छा देखिए इस केस में ये कहना कि कुछ है या कुछ नहीं है ना, ये मेरा ख्याल गैर मुनासिब सी बात हो जाएगी। यहाँ पे एक बहुत ही अजीब बात जो हुई है वो ये है कि एक तो इन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया, स्टांस चेंज किया, वो मुझे समझ में नहीं आया, उसमें एक इंडिपेंडेंट आदमी के तौर पर वो मेरी समझ में नहीं आया। फिर ये न्याजी सर्विसेज वाली बात जो है ना, इसकी ये बहरहाल मुझे कंसीलमेंट लगती है। फिर वो ये 1 लाख पाउंड वाला मामला है, मैं कम अज कम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, मैंने उस हद तक तो रोज बैठ के तो उसको नहीं देखा, मगर बहरहाल मैं भी रोज तो अदालत में आता हूँ, उस पर कोई 5-10 मिनट इस केस को भी सुन लेता हूँ या उसके बाद मीडिया को भी फॉलो करता हूँ, तो मतलब दिलचस्पी तो होती है इस तरह के केसों में।
नहीं लेकिन क्या स्टैंड चेंज किया मुझे समझाए ना, किस तरह से समझाऊं मैं आपको? वो फवाद चौधरी पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आप समझते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हुए। देखिए ये बात आया इन्होंने मेंशन की थी नॉमिनेशन फॉर्म में, बुनियादी सर्विसेज वाली बात मेंशन की थी, बनीबेला वाली प्रॉपर्टी मेंशन की थी। जी फवाद चौधरी साहब, यू गॉट लाइक वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट जी। अच्छा, पहली बात तो यह है कि कामरान मुंतजा साहब को खुशी होगी ये सुन के कि ये दोनों प्रॉपर्टीज ना सिर्फ ये प्रॉपर्टी ना सिर्फ 2013 में मेंशन की थी बल्कि 2002 में भी मेंशन की थी, जब ये मामला ही उस वक्त बिल्कुल जो है वो इतना नहीं लाया था। पहली दफा 2002 में प्रवेश। अच्छा, ये मुझे फवाद चौधरी साहब बताइए कि ये अपना जहांगीर तरीन ने क्यों नहीं अपनी बताई सारी 12 एकड़ की जमीन क्यों नहीं डिस्क्लोज की? ये जो जहांगीर तरीन साहब का मामला ये है कि उनकी जो ये प्रॉपर्टी है ये उनके बच्चों की उसके बेनिफिशियल ओनर है और बच्चों के जो अकाउंट है उनमें ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है। अब अगर जहांगीर तरीन साहब ने छुपानी होती तो वो अपने बच्चों के नाम पे भी ना देते, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है उनके बच्चों के नाम के ऊपर डिक्लेयर्ड है क्योंकि ये प्रॉपर्टी हाइड हाउस। तो ये बच्चों ने प्रॉपर्टी खुद बनाई थी? नहीं नहीं नहीं, बच्चों ने प्रॉपर्टी खुद नहीं बनाई थी, एक ट्रस्ट बनाया गया था, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। ट्रस्ट में बाकायदा लीगली बैंकिंग ट्रांजेक्शन से पैसे ट्रांसफर किए तरीन साहब ने और इस ट्रस्ट ने ये प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन इसके जो बेनिफिशियल ओनर है वो उनके बच्चे हैं। तो चूंकि बच्चे बेनिफिशियल ओनर हैं और तरीन साहब की प्रॉपर्टी नहीं है और बच्चों की प्रॉपर्टी है तो वो बच्चों के नाम के ऊपर यहाँ पर डिक्लेयर। तो फिर बात तो वही बन गई ना, वो इधर से पकड़े कान या उधर से पकड़े कान, तो फिर इसी तरह मरियम हसन और हुसैन पे भी तो यही तो मसला बन जाता है। उनके नाम के ऊपर तो उनका इशू भी तो यही है ना, एक कामे वाला इशू है ना, या उसको नहीं कहना पड़ेगा। वहाँ पे बेनिफिशियल ओनर है मरियम नवाज शरीफ, यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर है उनके बच्चे, तो जो बेनिफिशियल ओनर वहाँ पे है वो डिक्लेयर्ड नहीं है, यहाँ पे जो बेनिफिशियल ओनर है उसकी प्रॉपर्टी में डिक्लेयर्ड है, ये बड़ा बुनियादी फर्क है। नहीं, इस बात पे तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई नहीं किया ना, डिस्क्वालिफिकेशन तो सिर्फ एक पॉइंट पे है, उसके अलावा बाकी तो वो रेफरेंस का सब्जेक्ट है ना, ये डिस्क्वालिफिकेशन तो एक बात पे है। अच्छा, एनीवेज जी, कब तक फैसला आ सकता है जी फवाद चौधरी साहब आपकी नजर में? चले ठीक है जी, लेट्स कीप अवर फिंगर्स क्रॉस्ड जी, 3 हफ्तों तक फैसला आने वाला है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और देखते हैं जी क्या फैसला आता है। जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई होते हैं, इमरान खान डिस्क्वालीफाई होते हैं या दोनों बच जाते हैं, कुछ ही हफ्तों में सामने आ जाएगा। फिलहाल राना मुबशर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।